बात पूछूं? जी जी आपा जरूर पूछे। देखो सच सच बताना, वैसे मुझे पता है कि तुम झूठ नहीं बोलती। साजिद खर्चा वर्चा भेजता है ना तुम्हें? जी आपा भेजता तो है, लेकिन आपको कैसे पता चला? हाय हरे, इन दोनों मियां बीवी पे अल्लाह की मार पड़े, मैं तो कहती हूँ। अरे हाजरा, तुम्हारी बेटी ने अल्लाह ताला को ना अरे खुली खुली अजाब देने की बात कर दी है। मेरे बेटे को देखो, इकलौता बेटा भी छीन लिया, और ये देखो इसकी हरकत, मेरे बच्चे की के माँ को छोड़ के सास को खर्चा भेज रहा है। तो बहुत अम्मा, मुझे शक था, मुझे तो पहले ही शक था कि आप हमें बताए बगैर हमारे साजिद भाई के पैसे खराब कर रहे। बस करो हुमा, जो दिल में आता है कह देती हो। अरे मत रोको हाजरा, मत रोको, तुम्हें क्या पता हमारे दिल का दुख। आप भी बस कर दें आपा, कल की बच्ची के चक्कर में आपने पूरी उम्र गवा दी है। चलें, ये आप ही के लिए भेजे हैं उन्होंने, आपके बेटे और बहू की पहली कमाई, वो दोनों जॉब करने लग गए हैं। हैं? इतने सारे पैसे? ये क्या यहीं कहीं आए हुए हैं? वहीं लेने गई थी ना? अरे नहीं, वो लोग तो बेचारे जिलावती पे चले गए। ये पैसे तो उन्होंने हमीद भाई के हाथ भेजे जो हमारे पड़ोस में रहते हैं। दरअसल उनको हो गया दमे का मर्द, उसी चक्कर में वो जॉब छोड़कर वापस आ गए। अरे मैं तो रात दिन अपनी बहू और बेटे के लिए दुआएं करती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह बहुत देगा उन लोगों को। देखो तो माँ की कैसी फिक्र हुई। अम्मा ये पैसे ना तुम मुझे दे दो, तुम्हारी तबीयत नहीं आज कल ठीक रहती ना, मैं संभाल लूंगी इसे। आराम से बैठ जा बेटा, आराम से बैठ जा। मैं देखती हूँ कौन आया। कौन है? अरे हुमा जल्दी जाओ बेटा, चेयर लेकर आओ। बेटा वालेकुम सलाम, कैसी हो? वालेकुम आंटी। आंटी आमिर। हाँ हाँ आओ आमिर, बैठ बैठो बेटा। कैसे हो आमिर? इशरत आंटी, बेहतर यही है कि इन दोनों को आपस में बात करने का पूरा मौका देना चाहिए। भाई मैं तो कहूंगी जो बात भी करनी है ना सबके सामने की जाए, और दूसरी बात यह है कि ये अपनी गलतियां भी सबके सामने तस्लीम करे। और मेरी एक और शर्त है कि ये वादा करे कि आइंदा मेरी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, तो ही मैं पूमा को भेजूंगी। ओफो आमिर भाई, इस तरह के बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने तो कभी होमा से गुस्से में बात नहीं की, हाथ उठाना तो दूर की बात है। अरे बेटा अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुमने क्या हर किसी को हैदर समझ रखा है। आमिर, आमिर। हुमा जो बेटा, रोको अपने शोहर को, बहुत नखरे हैं भाई इनके, मुझसे नहीं उठाए जाते इतने नखरे, जाते हैं तो जाए। आमिर आमिर मेरी बात तो सुन, क्या बच्चों वाली हरकत है? हम यहाँ हुमा को मनाने आए हैं मामला मजीद खराब करने के लिए? सौरभ की माँ जब तक उसके साथ है ना, मेरी बात मान कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। देख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, तो एक काम क्यों नहीं करता उसे जबरदस्ती। जबरदस्ती? ऐसी बच्चों जैसी बात कर रहा है था। कभी जबरदस्ती भी किसी ने किसी से प्यार किया है? अगर वो मुझे प्यार करती है ना तो वो खुद चलकर मेरे पास आएगी, नहीं तो देख
मुझे पूरा यकीन है जब तुम दोनों आपस में बात कर लोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट आपस में बात तो करो। वो मुझसे बात करने को तैयार हो तब ना, और बात अगर मुझ तक रहती तो ठीक था। मैं तेरी और रिहाब की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप भी हद करती हैं, आपने जाने ही क्यों दिया आमिर को? मैं यहाँ एक सेकंड और नहीं रुकूंगा। आमिर, आमिर हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हो, तुम जा रहे हो, मैं अकेले कैसे सुन? आमिर, हैदर, ये कैसा हाल निकाला है आपने? हुमा हमारे घर में क्या करेगी? और ऊपर से वैसे भी तो उसके साथ सारा वक्त चिपकी होती है, हर वक्त दोनों सर मिला के बैठे होते हैं। आप मुझे बताएं, हम इन दोनों को कैसे मैनेज करेंगे? ठीक उसी तरह जैसे आमिर ने हमारी शादी करवाने के लिए डैड की टांट मैनेज की थी। आमिर दोस्त है मेरा, मेरे भाइयों की तरह, अगर उसे हमारी जरूरत है तो क्यों ना उसकी हेल्प की जाए। आप कह तो ठीक रहे, वैसे भी जब दो दिन मिलते हैं तो खुदा राजी हो जाए। आओ अंदर चल। क्या इसको घर नहीं बसाना है? हाँ वैसे कहती तो तुम भी ठीक हो। अम्मा एक बात तय है, मैं जाऊंगी तो तुम्हारे साथ, वरना नहीं। हुमा अपना बैग लेकर आओ, तुम हमारे साथ चले। हैदर कहाँ लेके जा रहे हो हुमा को? क्या आमिर के घर लेके जा रहे हो? नहीं अम्मी, ये कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में। अरे पर बेटा, ये मेरे बगैर इसका कोई गुजारा ही नहीं है, ये कैसे जाएगी? उठ के पानी तक नहीं पीती है ये। इशत आंटी, हमने बस ये सोचा कि यहाँ खाम खा बैठी यहाँ पे बोर होती रहती है, अगर हमारे साथ चलेगी थोड़ा सा इसको चेंज मिलेगा, इसके लिए बेहतर भी है। क्यों अम्मा, क्या कहते? अम्मा अम्मा जानी तो ना, क्या करूँगी? वैसे भी मैं स्कूल घूमने तुम्हारी स्टोरीज ही तो सुनती रहती हूँ। किसी पिटी हुई रिहाब ने ये कर दिया, साजिद ऐसे करता है, सुबह जो है वो मेरे नखरे नहीं उठाती है। कर जा, जा चली जा भाई, जा भाई जा। हाँ भाई ले जाओ इसको। चलो अम्मा अपना सामान पैक कर लो, मैं देख कर आती हूँ। अच्छा ये है, मैं भी तो यही चाहती हूँ भाई, घर बस जाए। जी तुम क्या कर रहे हो? सर बड़े साहब ने बुलाया था। और बड़े साहब हैं कहाँ? सर बड़े साहब तो मीटिंग में। सर एक और बात, सर बड़े साहब तो मीटिंग में हैं, लेकिन हाशिम साहब भी उनके साथ सुबह से मीटिंग में हैं। तुम जाओ अपना काम करो। जी सर। कैसे चीख मारी? ये कैसे चीख मारी? कैसे चीख मारी आपने? किसकी इजाजत से इस घर को गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है? कौन लाया जंगली को यहाँ पर? छोड़ो मुझे सुनिए, कैसे बात कर रही हो तुम? चलो चलो आके अपनी आंखों से देखो क्या क्या हो रहा है इस घर में। किसके बारे में बोल रही हो? अरे हाँ बेफिक्र हो जा। हाँ ठीक है ठीक है। अरे जरूर बंद करो फोन। आओ आओ हैदर साहब, क्या हाल है? अरे सॉरी, हाँ तो तुम कुलीग हो ना, मैं तुम्हें हैदर कह सकता हूँ ना? ठीक हूँ। तुम्हें काम करता देखने की हमेशा से हसरत थी मेरी, चलो क्या पता आजकल मैं पूरी हो जाए। अच्छा फैसला किया तुमने, मुझे लगता तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारी बहन को कहीं भूखा ना मार दूं। देख लो भाई, तुम्हारी बहन के लिए हमने अपनी कुर्बानी दे दी है। अच्छे फैसले देर से भी किए जाएं तो फायदा तो दे ही जाते हैं। देर आए मगर दुरुस्त आए।
लेकिन ये मत भूलना हाशिम की जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो ये हमेशा तुम्हारी रहेगी। क्यों भाई, खतरा है तुम्हें मुझसे? तुमसे नहीं, मगर तुम्हारे सौतेले बहन भाइयों की काविशों का खतरा है। तुम्हारी जरा सी भूल और उनका रास्ता साफ हो सकता है, और फिर तुम बीच मझधार के डूब भी सकते। वाह वाह वाह, मैं अजीम आदमी हो तुम यार, इतनी दूर तक सोचते हो। कसम से मेरे सौतेले बहन भाइयों ने भी इतनी दूर तक नहीं सोचा। ले लो, इसी खुशी में दूध पियो। नो थैंक यू, मैंने अभी लंच किया है, प्लीज कैरी ऑन। ओके ओके। और हाँ, ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशन का थोड़ा ख्याल रखना, ये ऑफिस है तुम्हारा, घर नहीं। हाँ हाँ, मैं ख्याल रखूंगा, बेफिक्र हो जाओ। वैसे अभी शुरू है ना रूल्स। मैदर साहब, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें लेदर वॉशिंग करते वक्त फैक्ट्री से मिलती है, और उन्हीं के सहारे फिर उन्हें लेकर जांच पड़ताल करके हमें आगे बढ़ना होता है। ये लेदर शूज, जैकेट्स, बैग्स, और यहां तक कि ये लेडीज वियर्स जितने भी हैं सब हमारी फैक्ट्री के। अंकल बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी आपको यहां तक पहुंचने के लिए। रूस तक पहुंचने के लिए इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जानते हो, 35 साल पहले मेरे पास सिर्फ लेदर का काम था, सिर्फ। कैन यू इमेजिन? जी जी अंकल, मुझे अंदाजा है कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, और वैसे भी टॉप पर पहुंचने के लिए स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। That's right. मुझे खुशी है, यू अंडरस्टैंड। फिर तुम कल से संभालो कुछ, अब ये सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन फैक्ट्री की है तुम वेरीफाई करोगे। मगर अंकल मैं तो आपको जानता हूँ, मुझे मालूम है 2 महीने के बाद तुम्हें लंदन जाना है और वहां जाके अपना काम संभालना है। मगर बेटा 2 महीने से तो फारी बैठने से क्या फायदा, कुछ फैक्ट्री में आगे काम वाम करो। जी अंकल, मैं भी आपको बस यही कहने वाला था जैसा आप कह रहे हैं। तुम जानते हो कि मैं ऑफिस में लंच नहीं किया करता, घर चल के करते। अरे भाई, एक वक्त हमारे पास कोई रकम वकम नहीं होती थी, तो वो ब्रंच कहते ना उसको, सैंडविच, बिस्कुट, कॉफी के साथ कॉफी। भाई वक्त की बात, लेट्स गो माय फन, चलो सर फोन। हाँ गो, आए आए। चाहिए थोड़ा प्यार। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अंकल, थैंक यू वेरी मच। अंकल ने मुझे इतना अच्छा मौका फराहम किया है, अपनी कंपनी में मुलाजमत देकर, नौकरी देकर, मेरी तो जिंदगी समर गई। कसम से मैं इतना खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। मेरी तरफ से सबको डिनर की दावत है, ठीक है? हम लोग सब डिनर पे साथ चलेंगे। एक सेकंड हैदर, वो अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम सबको मेरी तरफ से डिनर की दावत है, हम सब साथ चलेंगे, तो तुम भी मेरे साथ चलना ना। वाह, अरे ऐसे पकड़ा हुआ, कैसे पकड़ा हुआ, क्या हुआ? देखो तो सही, इतनी हिम्मत हैदर कैसे लगा उसे? तुम्हें छोड़ा, मैं कब से इसे बर्दाश्त कर रहा हूँ। हैदर हैदर छोड़ो, छोड़ो मुझे, कैरी ऑन, छोड़ो, डैड, अब छोड़ो। डैड आपने देखा नहीं, ये
देखा है मैंने, बदतमीज आदमी। कोई एहसास है तुम्हें? जानते हो तुम क्या कर रहे हो? ये कौन है? ये तुम्हारी बड़ी बहन का शौहर है, शर्म नहीं आती? और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जरा बताओ मुझे, वो कौन लोग हैं जो तुम्हें अपनों से दूर कर रहे हैं? कौन है वो जरा बताओ? ये वो दौर नहीं रहा, ये घर जायदाद प्रॉपर्टी ये सब मेरी मिल्कियत है, मेरी। और ना मैं किसी सौतेली मां के अंडर प्रेशर हूं, और ना कोई हाजरा जैसी बहन उसकी औलाद मुझे निशाना बना सकती है। सुन लिया तुमने? इमिया ले जाओ इसको, जाओ वहां हाजरा के पास रहो, कितना चीचा है, कोई रोक टोक नहीं है, जाओ जाओ। ये हाशिम, हाशिम यहीं रहेगा, तुम ही यहीं रहेगी, तुम लोग जाओ, चलो जाओ। चलो नहीं हैदर, आप चलो हैदर। I'm sorry बेटा, तुम्हें हाशिम ये चाय बाय, मैं आता हूँ। अच्छा तो आज खाने में क्या खाएंगे? मैं बुरा मान गई, गुस्से में है ना। दिल तो लगेगा ही, यहाँ तो सास बहू के ड्रामों से ज्यादा तमाशे होते हैं। मतलब ये कि जो हमें दर्ज देते थे ना कि ताल्लुकात अच्छे रखो, आज खुद ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। भाई पहली है ना, बुझवाओ, बताओ ना साफ साफ हुआ क्या है। मतलब ये कि रिहाब साहिबा यहाँ भी अपनी दिल्लगी से बाज नहीं आई, हाशिम साहब को दीवाना बना रखा है अपना। अम्मा हैदर को तो हाशिम के खून का प्यासा बना दिया है, कसम से अगर मामू ना आते ना तो ये दोनों एक दूसरे को मार चुके होते। अरे सच, ये क्या बता रही है? लो और सुनो, मामू ने तो इन दोनों को अल्टीमेटम दे दिया है कि हाजरा मुमानी के घर जाके रहें। अरे अच्छा है ना, रिहाब को हमारे साथ धोखेबाजी करने की सजा तो मिलेगी ना बेटा। कसम से अम्मा, अगर ऐसा हो गया ना तो तुम अपना भोरिया बिस्तरा गोली समझो, ऐसे निकलवाएगी ना रिहाब तुम्हें वहां से। अरे फिकर मत कर, मुझे नहीं लगता कि हैदर यहाँ ससुराल में आके रहेगा। लेकिन अम्मा अब जो भी है, अब ये लोग जहाँ भी जाएंगे मैं इनके साथ साथ ही जाऊंगी, हैदर ही लाया था ना मुझे यहाँ, मेरा क्या मकसद यहाँ पे रहने का फिर। हाय अल्लाह की बंदी, अरे तुझे कब अकल आएगी बेवकूफ, अरे तेरा वहाँ क्या काम, वो तुम्हें क्यों लेके जाएंगे? और देखो माँ, अगर ये लोग जाएं तो हैदर को बोल के सीधी मेरे पास चली आना, यही सही रहेगा बस। नहीं नहीं नहीं, तमीज कहेगी है, नहीं जाऊंगी।
हाशिम, मुझे किसी सूरत भी इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकना। लावारिस समझ रखा है इन्होंने क्या? अगर बहालत मजबूरी इस घर में रहना ही पड़ गया तो how dare he? कैसे तुम्हारे गरीबान पे हाथ डाल सकता है वो? सब्र करो, वो इमोशनल आदमी है, तुम तो इमोशनल मत बनो ना। सारा माहौल उसने खराब कर दिया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम। हाशिम, मुझे इस घर में किसी भी सूरत नहीं रहना। कुछ गैरत होती है इंसान की अपनी। उस हैदर को एहसास दिलाना ही पड़ेगा कि उसे अपनी बहन और उसके शौहर की इज्जत करनी चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, फिलहाल हम यहाँ से नहीं जा सकते। अगर यहाँ से जाएंगे ना, तुम बताओ कहाँ जाएंगे? कोई ठिकाना है हमारे पास? यार वो तुम्हारा फ्लैट है ना, हम वहाँ चले जाएंगे, पड़े रहेंगे किसी कोने में। एक महीने की तो बात है, जा रहे हैं ना वो एक महीने बाद कनाडा, मूव हो रहे हैं ना। करते हैं कुछ, करते हैं, इजी हो जाओ प्लीज। हाँ मान मत चलाओ। कितनी बार मैंने कहा है कि इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। ये घर मेरा है और जिसे चाहूं यहां आने दूं और जिसे चाहूं मना कर दूं। मुझे तुम्हारे मेके वालों का कोई एहसान नहीं चाहिए। ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है, सब कुछ है मेरे पास, समझी तुम? गैड, आप मेरी मम्मा के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। आप बहुत गंदे हैं और मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं। डैड, नाना नानी और खालू जान को इसी हैदर ने फोन करके बुलाया था, इसे ही याद आ रही थी उनकी। क्या कहा तुमने? ये अपनी मर्जी से फोन पे बातें करते हैं। ननियाल से बगैर बात किए तुम्हारा दिल नहीं लगता? बोलो हैदर, बोलो बोलो। नहीं मैं, आप प्लीज इसे मत माने। आइंदा कई बार ही अपने नानू को कॉल नहीं करेगा। मैं आपसे बातें करती हूँ, ये किसी को कॉल नहीं करेगा। किसी को आज के बाद तुमने अगर मेरी इजाजत के बगैर, तो हैदर में तुम्हारा वो हशर करूंगा जो सब देखेंगे। समझे तुम? मेरा बच्चा। क्यों आई? मेरा मजाक उड़ा? जाओ, चलो। अच्छा गो, जाओ। नहीं करनी मुझे अभी की बात। इधर मैं आपसे दूर कैसे रह सकती? जो कुछ आपने नीचे देखा है वो क्या देखा? क्या देखा? अब तुम ये कहोगी कि मैंने जो भी देखा है वो गलत है, वो झूठ है, अंधा हूं मैं। मैंने जो कुछ देखना था ना आपने देख लिया, अब और कुछ बाकी नहीं रहा देखने। मुझे अपने लफ्जों की कैद से आजाद कर दो। जाओ रे, जाओ। ले जाओ इसको, जाओ वहां आशा के पास रहो। कितना चीचा है, कोई रोक टोक नहीं। जाओ जाओ इमियान, ले जाओ इसको, जाओ वहां आशा के पास रहो। आप ये घर, ये प्रॉपर्टी, इसमें मेरा कोई हक? प्लीज ये सब कुछ मेरे डैड का है, कुछ नहीं है मेरा। प्लीज आप बात को ना बढ़ाएं हैदर। जो आपने नीचे देखा है वो तो कुछ भी नहीं था, आप क्यों इतना सोच रहे हैं उसके बारे में? बात को ना, कैसे ना बोल, कैसे ना बढ़ाऊं? बाप बेटे का रिश्ता ऐसा?
कभी मुझे अपना बेटा समझे? पहले दिन से मुझे बर्दाश्त नहीं किया उन्होंने। कह रही हूँ बात को मानो। ठीक है, और मेरा क्या होगा? और वनीजा, सोचे आपने हमारे बारे में? हम कहाँ जाएंगे हैदर? हम आपके बगैर यहाँ पे नहीं रहेंगे। रेहाब, तुम्हें तुमसे नहीं मुझसे मसला, मुझसे कहो तुम कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ जाएंगे। हमें अकेला मत छोड़ के जाए हैदर, हम आपके साथ जाएंगे। हैदर भाई, बड़े साहब जी आप दोनों को बुला रहे हैं। हाँ हम आ रहे हैं। हैदर प्लीज, हैदर प्लीज चले ना, मामू की बात सुन ले प्लीज। हैदर तुम जाओ बेटा, जाकर उनकी बात सुन, उनके ताने सुन। तुम्हें आदत होगी उनकी बात सुनने की, रहना, लेकिन मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। तमीजी है क्या है ये? बच्ची कहाँ है? जाओ जाके उसे संभालो। जाओ शोर, ये हंगामा, ये सब क्या है? ये घर है, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है ये। घर आपके लिए घर होगा, मगर मेरे लिए ये सिर्फ एक मकान था। सही, जब ही तुम एक जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव करते रहे शायद, लेकिन आज के बाद आपको मुझसे कोई तकलीफ नहीं। मैं जा रहा हूं, ये सब कुछ छोड़ के रहे तो बाद में देखा जाएगा, मगर तुमने इंतहाई शर्मनाक और गैर अखलाकी हरकत की। अगर मैं बीच में ना आता तो तुमने तो अपनी जनूनी कैफियत में अपनी बहन को तलाक दिलवा दी होती। आशीष, माफी मांगो। जाओ, तुम्हें हाशिम से माफी मांगना होगा। कितना पागल हूं ना मैं, मुझे लगा था मेरे जाने से आपको तकलीफ होगी, गम होगा, मगर मैं तो हमेशा की तरह गलत। ठीक है, अगर आपकी इसी में खुशी है तो मैं जाता हूँ, सोमी से माफी मांग लेता। अल्लाह करे मुन्नी कोड़ा मारा हाशिम, तो वो 3 दिन तक और इसी तरह सोता रहे ताकि मैं हैदर को यूं ही देखती रहूं। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं उनके पास जाऊं, उनके पास बैठूं, उनसे खूब बातें करूं, अपना दर्द बताऊं, उनका दर्द बांटूं,
बस सारी रात हम लोग बैठ के बातें करते रहे, मगर वो मनहूस रिहाब तो कभी हमें नहीं बैठने देगी ऐसे। सच है कि मैं हमें यूं ही देखती हूँ। या अल्लाह, मेरे हैदर को सारी नजरे बद से बचाना। उसको मैंने ऐसे नहीं था कहा, आप काम कीजिए, उसको रिकैलकुलेट कीजिए और फिर जो भी। क्या हो रहा है भाई? एक्सक्यूज मी प्लीज, ये लीजिए आप, ये लेके जाइए। एक्सक्यूज मी, ये लेके जाइए। हैदर मियां, पूछ सकता हूँ क्या ये सब? हाँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। यानी तुम और रहे आप? नहीं, सिर्फ मैं। तो ठीक है, दोनों भाई एक साथ चलेंगे। 3 बजे की फ्लाइट से मैं भी दुबई जा रहा हूँ। रियली? मेरी बच्चों मुझसे नाराज है, और अगर मैंने उन्हें ना मनाया ना, तो मेरे वालिदैन की रूह मुझे कभी माफ नहीं करेगी, और ना ही मैं कभी अपने आप को माफ कर पाऊंगा। जो रिश्ते दिल के करीब होते हैं, जितना जल्दी हो सके उन्हें मना लेना चाहिए। खैर, तुम तो जानते हो माँ हमारे घर आई है, उसे मैं इशरत आंटी से खुद घर ले आया था, ताकि वो जिंदगी को खुद अपने नजरिए से देख सके, जिंदगी को खुद गुजारने की आदी हो सके। आपके करीब रहकर शायद कुछ सीख जाए। घर में सोमी के आने से डैड पता नहीं अजीब से हो गए, आगे पीछे की इनकी जो भी मामलात हैं वो समझने के लिए तैयार ही। कितनी दफा उन्हें कहा है कि हाशिम अच्छा इंसान नहीं, लेकिन वो मेरी एक भी सुनते। मैं क्या करूं? यानी घर से जाना जरूरी हो गया। खैर, तू ऐसा कर, जब तक किसी अच्छे घर का इंतजाम नहीं हो जाता, मेरे घर पे जाकर रह, और ये रही चाबी, तो वहां जाकर रहो, और अकेले नहीं, मेरी भाभी को साथ लेकर जाना। मैं समझा नहीं, तुम वापस कब आ रहे? पता नहीं यार, जब दिल की आ जाऊंगा। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? कम से कम हुमा को तो साथ ले जाओ, और ये ऑफिस, ऑफिस कौन देखेगा? हम दोनों को किस्मत आज एक ही मोड़ पर ले आई। हैदर, तू जानता है कभी कभी इंसान अपने आप से इतना तंग आ जाता है कि वो किसी ऐसी जगह की तलाश में निकल जाता है जहां पे उसके अलावा और कोई ना हो और सिर्फ तन्हाई हो। जहां तक रही ऑफिस की बात, ये मेरा रेजिग्नेशन, वापस आकर साइन कर दूंगा।